गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 7 क्वेश्चन की बात कर ली थी, आज हम इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का गुणनखंड करना है। देखो 8वें क्वेश्चन में इस प्रत्येक का गुणनखंड करना है। दो फॉर्मूले याद में रखोगे, a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस बी। a माइनस बी की होल क्यूब इक्वल क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन में काम है, 8ab³ डी है। तो 8 किसका गुणन होता है 2 का, क्योंकि 2 इनटू 2 इनटू 2 तो ये कितने होते हैं, यहां पर हमारे पास 8 होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab³ प्लस बी की क्यूब प्लस। अब यहां पर हमारे पास क्या आता है, देखो इस फॉर्मूले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab का मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, 3a² b प्लस 3ab का मल्टीप्लाई बी के साथ करते हैं तो 3ab² ये चीज बनती है यहां से हमारे पास। तो 3a² b 3 इंटू a की वैल्यू देखते हैं तो यहां पर कितनी है, 2a² यानी 2a² ये कर इनटू b, b की वैल्यू यहां पर कितनी है, b है प्लस फिर आता है 3ab² तो 3 इनटू a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2a इनटू b² b की वैल्यू यहां पर b है तो b की स्क्वायर। देखो पहले तो यहां पर 2a³ करें, 8a³ बन रहा है, बी की क्यूब 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 ab² फिर 3 × 2 = 6 ab² इसको सॉल्व करके लिख रहा है इसकी सहायता से फॉर्मूले की सहायता। तो देखो यहां से क्या आएगा, 2ab³ प्लस बी की क्यूब प्लस, अब यहां से इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 × 3 आ रहा है इंटू ए, यहां से 2ab आ रहा है कॉमन इंटू बी भी कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में क्या रह गया, 3 कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, 2ab² है 1 पावर तो बात कॉमन ही आ गई तो यहां क्या रह गया, 2a प्लस 3 × 2a कॉमन आ गया, बी की पावर 1 बात कॉमन है, यहां पर कितनी है, b² तो यहां क्या रह गया, बी। तो ये बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, a की वैल्यू इसमें क्या चल रही है, 2a। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी, तो इसकी होल क्यूब। गुणनखंड करने हैं तो क्या आएंगे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। एक और देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे इसमें दिया है 27pq, सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपके ध्यान में होने चाहिए, माइनस दिया है दूसरी जगह पर तो माइनस वाला फॉर्मूला देख लेंगे। जैसे इसके 5वें क्वेश्चन में दिया है 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2pq² फिर आगे इसमें दिया है प्लस 1/4 प्लस 1/4। देखो यहां पर माइनस आ गया तो पता ही चल गया कि माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होने, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3a² b फिर माइनस इनटू माइनस प्लस 3ab का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3ab² तो देखो यहां पर a की क्यूब 27 है, 27 किसका गुणन होता है, 8 किसका होता है, 2 का, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 तो यहां पर कितना आ गया, 3p³ 216 जैसे आपको पता नहीं है क्या कर लो, इसके एवज गुणनखंड कर लो, जिसका भी करना आपको नहीं पता उसके क्या कर लो, एवज गुणनखंड।
दो का भाग जा रहा है इसमें, दो एक कम दो, फिर एक में भाग दिया जीरो, दो अट्ठे सोलह, फिर दो पांच दस, दो चौके आठ, फिर सताईस चौपन, तीन इंटू नौ सताईस, तीन तीन नौ, तीन एक। अब तीन तीन के जो घन बन रहे हैं उनसे एक संख्या लेनी है, तीन का ये घन बन रहा है तो यहां से दो, तीन का ये है तो तीन, मल्टीप्लाई करेंगे दो इंटू तीन कितना आ गया छह। तो 216 किसकी क्यूब है छह, तो 216 यहां से किसकी क्यूब आ गया आपके पास छह। तो क्या करेंगे इसको माइनस एक बटे छह की होल क्यूब माइनस। अब यहां पर फॉर्मूले में क्या थ्री ए स्क्वायर भी, तो थ्री इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है थ्री पी, और एस पी स्क्वायर ये होगी इंटू में बी, बी की वैल्यू कितनी है एक बटे छह। देखो इसको सोल्व करके देखते हैं हमारे पास ये नौ बटे दो ए स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो तीन इंटू तीन इंटू तीन नौ, नौ पी स्क्वायर इंटू एक बटे छ, तीन दू एक छह, तो कितना आ गया नौ बटे दो पी स्क्वायर बन रहा है। फिर प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री इंटू ए की वैल्यू कितनी है थ्री पी, इंटू बी की वैल्यू यहां पर कितनी है वन अपॉन सिक्स, और इसकी स्क्वायर इसको भी देखते हैं वन अपॉन फोर पी बढ़ रहा है या नहीं बन रहा। तो देखो तीन इंटू तीन पी इंटू एक बटे छ इंटू छ छत्तीस, तीन से काटे बारह, तीन चौके बारह, तो क्या बन गया पी बटे चार या एक पी बटे चार, यही चीज बन रहा है। अब देखो यहां पर थ्री पी की होल क्यूब माइनस वन अपॉन सिक्स की क्यूब, अब इसमें से कॉमन लेते हैं मुझे, तो क्या कॉमन आ रहा है थ्री इंटू थ्री पी भी आ रहा है दोनों में, इसमें पावर दो है इसमें एक है, तो छोटी पावर कॉमन आती है थ्री पी, एक बटे छह इसके साथ भी है, एक बटे छह इसके साथ भी है, यहां पर स्क्वायर है यहां पावर एक है, तो कौन सा कॉमन आएगा एक बटे छह। ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस, यहां तो क्या हो गया ये प्लस, थ्री कॉमन ले लिया थ्री पी की होल स्क्वायर दी एक पावर कॉमन आ गई, तो यहां क्या रह गया थ्री पी, एक बटे छह हमारे पास कॉमन आई है, माइनस प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री पी कॉमन ही आया, एक बटे छह की पावर एक तो बाहर आ गई, यहां पर स्क्वायर है तो क्या रहेगा वन अपॉन में सिक्स। अब क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है थ्री पी माइनस b की वैल्यू कितनी है वन अपॉन सिक्स, और इसकी होल, तो इसके टुकड़े क्या हुए थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स, गुणनखंड हो गई इसके थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स, थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स। इस प्रकार से इस आठवें क्वेश्चन को सोल्व करो। नौवा क्वेश्चन सत्यापित करना है, प्रूव करना है हमें, फॉर्मूला प्रूव करना है इसमें दिया है, तो देखो इसमें क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में एक्स माइनस वाई इंटू सॉरी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है, तो देखो यहां से प्रूव देखते हैं इसका। हमें पता है हम जानते हैं एक्स प्लस वाई की होल क्यूब किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब किसके इक्वल होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, ये हमें पता है। x प्लस वाई की होल क्यूब किसके इक्वल होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो हमें यहां से हमें क्या चाहिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो इस संख्या को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या रहेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये रह गया जैसे,
एक को इस साइड ट्रांसफर किया है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, ये प्लस का है इस साइड आप किसका होगा माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वन, क्या आएगा माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वन। तो देखो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है यहां से लेकर यहां तक एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास यहां पर पावर तीन है एक बार कॉमन आ गई तो क्या रहेगा एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, क्या रहेगा एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई के बाद कॉमन ही आएगा तो यहां क्या रहेगा थ्री एक्स वाई, क्या रहेगा यहां पर थ्री एक्स वाई। अब इसमें फिर सर्वसमिकल लगा दोगे आपको पता है एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर क्या होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर ये माइनस के थ्री एक्स वाई ऐसे कैसे करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई माइनस के थ्री एक्स वाई, तो क्या रहेगा माइनस का एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है हैंस प्रूव या इतिसिला, यही हमें फॉर्मूला प्रूव करना। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी प्रकार से प्रूव करना है, उसमें माइनस का फॉर्मूला दिया है तो आप यहां पर क्या लिखे लोगे एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, इसी प्रकार से इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करोगे। नेक्स्ट 11 दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल कीजिए। देखो यहां पर दसवें का फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं, इसमें दसवें का सेकंड देखते हैं क्योंकि इसमें प्लस वाला फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया, वो सेकंड जो क्वेश्चन है किसका है माइनस का है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करोगे इसी फॉर्मूले से जो हमने अभी प्रूव किया है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है 64 एम की क्यूब माइनस 343 एम की क्यूब, ये देखो आपको मैंने बताया था अगर आपको नहीं पता भी ये किसका घन है 64 तो आप उसके एवज गुणनफल करो, इसी प्रकार 343 के भी करो, तो ये 64 होते हैं जो 4 की क्यूब होती है 4 एम की होल क्यूब लिख लें 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 64 343 होती है 7 की क्यूब तो 7 एम की होल क्यूब 7 इंटू 7 49 49 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 343, यहां कैसे याद करोगे अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कौन सा एक्स क्यूब माइनस वाई, क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे इसमें तो एक्स माइनस वाई एक्स की वैल्यू कितनी है 4 एम माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 7 एम इंटू एक्स की स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4 एम की स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 4 एम इंटू वाई की वैल्यू 7 एम प्लस वाई की स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू 7 एम इसकी स्क्वायर तो 4 एम माइनस 7 एम इंटू 4 एम की होल स्क्वायर 4 इंटू 4 16 एम की स्क्वायर 4 इंटू 7 28 एम एन प्लस 7 इंटू 7 49 एम की स्क्वायर, तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनफल। इसी प्रकार से फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, फर्स्ट पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 11वां क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए, क्या दिया 27 एक्स की क्यूब प्लस 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 9xy है, 9xy है। देखो यहां पर 27 इसकी क्यूब होती है, 3 की 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यहां इसकी क्या करोगे डबल डिफरेंट, तो क्या आ गया यहां से 3x की होल क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की होल क्यूब माइनस, अब यहां पर क्या होता है 3xy है, 3xy है, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3x इंटू y इंटू z, क्योंकि y की वैल्यू y है और z की वैल्यू z, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करोगे, x की वैल्यू कितनी है 3x, y की वैल्यू y है और z की वैल्यू z, x प्लस y प्लस z, x की वैल्यू 3x प्लस y की वैल्यू y प्लस में z इनटू x की स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 3x की होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर y स्क्वायर z की स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x इनटू y, x की वैल्यू 3x इनटू y की वैल्यू y माइनस y इनटू z, क्योंकि y की जगह y थी और z की जगह z, माइनस z इनटू x, z की वैल्यू z इनटू x की वैल्यू 3x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस y प्लस z 3x की होल स्क्वायर, 3 इनटू 3 9x की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx, तो ये इसके क्या होंगे गुणन। तो 11 क्वेश्चन तक दोबारा सॉल्व करके देखो, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।